नमस्कार, सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे AS आज कक्षा 9वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 14 में हम निर्माणों के पावन युग में यह कविता देखेंगे। आज के कविता के अंतर्गत यह घटक रहेंगे, प्रस्तावना सबसे पहले हम लेंगे, उसके बाद कवि परिचय, कविता का भावार्थ लेंगे और कविता के अंतर्गत जो भी कठिन शब्दार्थ आएंगे उनके अर्थ भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का परिचय लेंगे। 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश में। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी है। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्रप्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। आपकी प्रमुख कृतियाँ मेरी 51 कविताएँ, यह उनका कविता संग्रह है। कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, यह गद्य रचनाएँ उनकी है। पद्य संबंधी थोड़ा सा, रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया हुआ है। निर्माणों के पावन युग में यह कविता अब हम देखेंगे। सबसे पहले कविता का वाचन करेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। इस प्रकार यह कविता है। अब यह कविता हम अर्थों के साथ विस्तार से देखेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। अब इस कविता का अर्थ है, कवि इसमें कहना चाहते हैं कि यह युग निर्माणों का युग है। यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत ज़रूरी होता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, अपने स्वार्थ को देख रहे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण के बात को कभी भी नहीं भूलना है। कवि कहते हैं कि सच है कि समुद्र अपार और अथाह है, इसी तरह संघर्षों का भी अपार नहीं है, किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष बीच मझधार में छोड़ देना मंजूर नहीं होता है। पेचीदा समस्याएं आती है, उसको सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधान करने चाहिए, लेकिन फिर भी हमें संसार के कल्याण की बात कभी भी नहीं भूलनी है। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। अब कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि लोगों में अच्छा आचरण अपनाने, विनम्र बनने तथा आदर्श कहलाते दूसरों से अधिक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत करना जरूरी है, तभी लोगों में चेतना आ सकती है। वे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में नैतिक आधार नहीं है तो उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं होती है। चांदनी की शोभा की तड़क फड़क में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना भूलना नहीं चाहिए।
कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों का विकास का युग है और यह बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत ज़रूरी है, उसे हमें भूलना नहीं है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कवि कहते हैं कि आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यदि वे मनुष्य के काम के नहीं हैं, उनसे प्राणियों का कोई भला भी नहीं हो सकता है, तो वह विज्ञान कुछ काम का नहीं है, वो व्यर्थ है, इसे सृजनहीन ही कहा जाएगा। कवि कहते हैं कि भौतिक तड़क फड़क के बढ़ते प्रभाव में आकर हम अपने जीवन का उत्थान करना न भूले। इस प्रकार कवि निर्माणों के पावन युग में हम हमारा चरित्र निर्माण कभी न भूले, स्वार्थ साधना के आंधी में हमें संसार का कल्याण भी कभी नहीं भूलना है, हमारी संस्कृति का सम्मान हमें करते रहना है, जगत का कल्याण हमें करते रहना है और उसी के साथ अपना चरित्र निर्माण भी हमें करना नहीं भूलना है। इस प्रकार निर्माणों के पावन युग में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, निर्माणों के पावन युग में हम क्या क्या कर सकते हैं और स्वार्थ से कैसे खुद को परे रख सकते हैं और समाज का, इस संसार का कल्याण कैसे कर सकते हैं, यह बताने की कोशिश यहाँ पर कवि ने की हुई है। इस प्रकार यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। कविता के अंतर्गत जो कठिन शब्द आए हैं वो इस प्रकार है, वसुधा का मतलब है पृथ्वी, अगम मतलब अपार, अगाध मतलब अथाह, मझधर मतलब लहरों के बीचों बीच, कौमुदी मतलब चांदनी, और भौतिकता मतलब सांसारिकता, और उत्थान का मतलब है उन्नति। इस प्रकार यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। लेक्चर नंबर 15 में हम कह कविराय, यह यूनिट 2 की पहली कविता हम देखेंगे। धन्यवाद।